ममता बनर्जी पर कई बार भेदभाव के आरोप लगते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर दीदी का मन नहीं हो तो कोई भी बंगाल में रैली नहीं कर सकता। और एक बार फिर ममता सवालों के घेरे में है। उनके ताजा एक्शन से बीजेपी खेमे में बौखलाहट है। बंगाल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को रैली करने की इजाजत नहीं दी गई। बताया जा रहा है कि उनके हेलीकॉप्टर को भी लैंडिंग की परमिशन नहीं मिली है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के तहत 9 सीटों पर 19 मई को मतदान होना है, जिसके लिए सोमवार को अमित शाह की 3 रैलियों का कार्यक्रम है। इनमें से एक रैली दक्षिण 24 परगना जिले के जादवपुर में दोपहर 12:30 बजे होनी थी, लेकिन रैली से कुछ वक्त पहले ही परमिशन रद्द होने की खबर आती है। साथ ही अमित शाह के हेलीकॉप्टर को भी लैंडिंग की इजाजत नहीं दी गई। हालांकि उन्होंने बंगाल में अन्य रैलियों में ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। दरअसल हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हमलों का जवाब देते हुए तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि मैं इंच इंच का बदला लूंगी, आपने मुझे और मेरे बंगाल को बदनाम किया है। ये कोई पहला मामला नहीं जब ममता दीदी ने ऐसा किया हो। पहले भी अमित शाह के अलावा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर को लैंडिंग की परमिशन नहीं दी गई थी। साथ ही साथ हर चरण के मतदान में हिंसक घटनाओं को लेकर भी बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस सरकार पर सवाल उठाया है, जबकि दूसरी तरफ ममता बनर्जी केंद्रीय बलों को इस्तेमाल कर मोदी सरकार पर चुनाव प्रभावित करने का आरोप लगा रही हैं। ऐसे में आखिरी दौर में मतदान से पहले बंगाल में अमित शाह की रैली और हेलीकॉप्टर लैंडिंग की इजाजत नहीं मिलने से एक बार फिर से बंगाल की सियासत गर्मा गई है। जयनगर में तो आ गया, मगर दूसरी जगह ममता जी के भतीजे की सीट थी, ममता जी के भतीजे की। वहां पर जाने से ममता जी डरती है कि भाजपा वाले इकट्ठा होंगे तो भतीजे का उल्टा तख्त हो जाएगा। उन्होंने सभा की परमिशन कैंसिल कर दी। मैं बताने आया हूं ममता दीदी, आप सभा करने दो न करने दो, हमें बोलने दो न बोलने दो, बंगाल की जनता तय कर बैठी है कि इस बार लोकसभा के अंदर तृणमूल कांग्रेस को हरा कर रहना है, हरा कर रहना। बंगाल की जनता ने तय किया है कि इस बार बंगाल के अंदर 23 से ज्यादा सीटें हमारे नेता नरेंद्र मोदी के झोली में डालना। चुनाव का आखिरी समय है, ऐसे में इस मामले में बीजेपी में जबरदस्त गुस्सा है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तानाशाही चल रही है। आज हमारे अध्यक्ष की रैली जादवपुर में होनी थी, कई दिन पहले हमने अर्जी लगाई और कल रात 8 बजे इजाजत के लिए मना कर दिया और कोई कारण भी नहीं बताया गया। ये लोकतंत्र की हत्या है, चुनाव आयोग को खुद संज्ञान लेना चाहिए। अगर चुनाव में बड़े नेता रैली नहीं करेंगे तो चुनाव का क्या मतलब है, किसी को बंगाल आने नहीं देंगे। ये चुनाव आयोग के अधिकारों का उल्लंघन है, लोकतंत्र में उनका विश्वास नहीं रहा क्योंकि उनको पता लग गया है कि ममता जा रही हैं। जावड़ेकर यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि ममता इतना बौखला गई हैं कि सीआरपीएफ के जवानों को भी संघ का स्वयंसेवक बता रही हैं। वो समझ ही नहीं रही हैं कि बंगाल अब बदल चुका है, जिस बंगाल ने उनको जिताया था वही उनको हरा रहा है। वो कह रही हैं कि वो बदला लेंगी, किससे बदला लेंगी और क्या बदला लेंगी, लोकतंत्र में जनता बदला लेगी उनके साथ हुए अन्याय का। ममता और मोदी के बीच कितनी ही तनातनी क्यों ना हो, लेकिन जनता सब जानती है कि किन मुद्दों पर अब उसे अपना नेता चुनना है। बहरहाल ये कहना गलत नहीं होगा कि इस मामले के बाद राजनीति जरूर गर्मा गई है। इलेक्शन डेस्क, टोटल न्यूज़।